कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मतदाता सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कांग्रेस ने इसे अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की वकालत की है। इस मामले पर धर्म संकट में फंसी भाजपा के लिए कांग्रेस का लिंगायत कार्ड मुसीबत बन चुका है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में लिंगायत समुदाय 100 सीटों पर अपनी पकड़ रखता है, इसलिए दोनों ही दल लिंगायत से जुड़े मठ और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लिंगायत मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के प्रयास में लगे हैं। लिंगायत समुदाय को रिझाने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के मुखिया, चाहे राहुल गांधी हो या भाजपा के अमित शाह, दोनों ही लिंगायत से जुड़े धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर समाज में पकड़ बनाना चाह रहे हैं। लिंगायत कार्ड खेलकर कांग्रेस ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्नाटक चुनाव में 224 सीटों में से 100 सीटों पर लिंगायत का असर रहता है। इस वजह से कर्नाटक में अब तक 6 बार लिंगायत समुदाय से मुख्यमंत्री बना है। देखना है कि अमित शाह, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कर्नाटक में भाजपा को जिता पाते हैं या नहीं। फिलहाल राहुल गांधी ने लिंगायत धर्म को अलग से दर्जा दिए जाने की मांग के बाद में भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सरकार ने एक जो रिजोल्यूशन पास किया है लिंगायत वीर सर्व संप्रदाय के लिए, वो रिजोल्यूशन के बारे में सबने चिंता व्यक्त करी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वहां पर स्पष्ट किया कि यही दरखास्त 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे, सोनिया जी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल एक संस्था बनी थी, इसकी अध्यक्षा थी, उसने इसको खारिज कर दिया था। 4.5 साल सरकार चलाने के बाद सिद्धरामैया जी ये दरखास्त लेकर आए हैं। ये और कुछ नहीं है, चुनाव में लोगों को गुमराह करने की एक षड्यंत्र है, और कर्नाटक की जनता इस षड्यंत्र को भली भांति समझती है और हम इसको सफल नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 15 मई को मतगणना होगी।